नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। यूं तो बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है, चाहे IAS अफसर की बात हो या फिर खिलाड़ी बनने की बात हो, हर खेल के खिलाड़ी यहां पे भरपूर मात्रा में है, टैलेंट भरपूर मात्रा में है। लेकिन अगर बात आती है आगे क्यों नहीं बढ़ पाए, क्या कुछ कारण है, तो ऐसे में कोई जवाब किसी को नहीं सूझता है, चाहे बिहार की सरकार हो या फिर खुद खिलाड़ी ही क्यों ना हो, परेशानों को वो भी कुछ बताते नहीं है। लेकिन ऐसे में हमारे साथ एक खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, मिताली जी, इनसे बात करते हैं। ये कई देशों में जाकर देश का नाम रोशन कर चुकी हैं, तिरंगा को लहरा चुकी हैं, और ऐसे में इनसे बात करते हैं, इनका सफ़र के बारे में जानते हैं, और जानते हैं इनका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और आज खुद को कहाँ देखती हैं, और क्यों आज ये उस मुकाम तक नहीं पहुँच पाई जहाँ इन्हें होना चाहिए, जो कि देश के लिए सम्मान की बात होती अगर ये उस जगह पर पहुँच चुकी होती। मिताली, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद मिताली जी। ये बताएं कि आपने अपने करियर की शुरुआत कहाँ से की थी और आज आप खुद को कहाँ देखती हैं? मैंने सबसे पहले 2008 में कराटे शुरू किया था, और फिर मैं कराटे से इंटरनेशनल प्लेयर हो गई, और इसके साथ ही मैं कराटे से ब्लैक बेल्ट सेकेंड डन हूँ। इसके बाद फिर मैंने NCC ज्वाइन किया, और NCC सी सर्टिफिकेट ए ग्रेड होल्डर हूँ। और फिर मैंने आगे एयरक्राफ्ट उड़ाया एज ए को पायलट बिहटा स्टेशन से, और फिर उसके बाद मैं पैरा जंपर भी हूँ, जो कि मैं 3 times सक्सेसफुल अटेम्प्टर हूँ। इसके बाद 2013 में मैंने एक्चुअली में माउंटेनियरिंग फील्ड में एंटर किया, और माउंटेनियरिंग फील्ड के सारे कोर्सेज, जैसे लोग अपने एकेडमिक करियर में PhD करते हैं, वैसे ही मैंने अपने माउंटेनियरिंग फील्ड में कर रखा है। इसके अलावे एक बहुत अच्छा कोर्स होता है अल्पाइन ट्रेनिंग, वो भी मैंने कर रखा, और मैं बहुत लकी मानती हूँ कि एक माउंटेनियर होने के साथ मैंने MOI के साथ साथ मैंने अल्पाइन ट्रेनिंग भी कर रखी है। इसके अलावा अचीवमेंट में मैं किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, उसको स्केल की हूँ, और बिहार से पहली कैंडिडेट बनी। और इसके आगे मैंने माउंट बोनिटी किया, जो कि साउथ अमेरिका की पीक है, और सबसे अच्छी अचीवमेंट रही अब तक की वो है माउंट एगोंकग हुआ, जो कि विदाउट पोर्टर गाइड इवन किचन स्टाफ के सपोर्ट के मैं सबमिट करने वाली भारत की पहली बेटी बन गई। तो यही था अब तक का अचीवमेंट। अचीवमेंट आपका इतना बड़ा है कि बिहार सरकार की बात करें या फिर तमाम खिलाड़ियों की बात करें जो कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, उनके सामने आपका अचीवमेंट बहुत बड़ा है। सरकार कोशिश भी नहीं करती है, सरकार जिस तरीके से इग्नोर करती है, ऐसे परेशानी आप लोग होती है। आप ये बताएं कि जो बिहार के खिलाड़ी हैं वो एक खेल के पीछे जाते हैं, कुछ नहीं होते वापस आ जाते, लेकिन आपने पहले मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली, फिर आपने माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग ली, इतना कुछ करने का सोचा कहाँ से आपने? क्योंकि जब एक से हार मिलता है तो लोग दूसरे तक की ओर नहीं भाग पाते या फिर भाग पाते उस तरफ। आपने कैसे सोचा कि आप इसमें आगे बढ़ सकती हैं? एक्चुअली एक चीज़ मुझे अच्छा लगता है, मेरे में या किसी में भी अगर ऐसा हो तो ये बहुत अच्छी बात है, कि आपके अगर छोटे छोटे अचीवमेंट हो ना, और उसको आप मतलब अपना स्ट्रेंथ और अपना हैप्पीनेस वाला मोमेंट माने, तो मुझे लगता है कि आपका वो अचीवमेंट आपको बहुत बड़ा सक्सेस दिला सकता है। और यही रीज़न है इसके पीछे सबसे बड़ी चाबी बोल सकते हैं, कि यही है कि मैं धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप, मैं भी नहीं सोची थी कि एक दिन मैं इतनी अच्छी माउंटेनियर बन जाऊंगी, इस फील्ड में इतना कुछ हो जाएगा, और बिहार के नाम, बिहार के इतिहास में बहुत कुछ जुड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें होते होते हो गई, और धीरे धीरे मैंने हर एक स्टेप को बहुत इन्जॉय किया, और बहुत कुछ सीखते सीखते आज मैं यहाँ हूँ। आने वाले वक्त में आपकी क्या तैयारी है, क्या सोचा आपने, कहाँ जाएंगे इसके बाद अब? माउंटेनियरिंग में मेरा नेक्स्ट प्लान है माउंट एवरेस्ट का, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, और इसके बारे में पूरा बिहार, पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड जान रहा है। और अभी बस यही है कि अगर ये एवरेस्ट हो जाता है कंक्वेर, तो बिहार से पहली कोई सिविलियन बेटी होगी जो एवरेस्ट को छूने का सपना देख रही है। तो अगर हो जाता है तो बिहार की बेटी भी एवरेस्ट तक पहुंचेगी। चलिए, हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जैसे तो आपका जो तजुर्बा है, जितना आपने अचीवमेंट हासिल किया है, वो बहुत बड़ी बात है इतनी कम उम्र में। उम्र पूछनी है तो लड़कियों, लेकिन आपसे फिर भी उम्र पूछना चाहूँगा, क्योंकि लड़कियों को इससे कुछ इंस्पिरेशन मिलेगा। बताए
मुझे बहुत खुशी हो रही बताते हुए कि अभी मैं 24 की हूँ और 24 ईयर में रियली एक्चुअली बहुत ही कम एज में, जैसे ये तो और खासकर कोरोना हमारा 2 साल बर्बाद कर दिया, अदरवाइज और भी कुछ अचीवमेंट के साथ डेफिनेटली मैं आपके पास होती। मैंने 2022 में ही मैंने माउंट अकोंकागुआ किया था, तो दैट टाइम आई वॉज लाइक कि फॉरेन जाके करना और सब कुछ खुद से प्लान करना वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। और मैं बता नहीं सकती कि मेरी एज वाकई उस अचीवमेंट के लिए बहुत कम पड़ रही थी, और इवन बहुत कम एज में ही जैसे मैंने बेसिक कोर्स जो होता है ना माउंटेनियरिंग का, मैंने अंडरटेकन पे किया था कि मेरी एज पूरी नहीं हो रही थी लेकिन फिर भी मैंने वो कोर्स किया था। तो हाँ, एज कम है लेकिन ठीक है, मैं कोशिश हमेशा करते रहती हूँ, सो मुझे कुछ कुछ अचीवमेंट एड ऑन होते रहता है। कोशिश जारी होनी चाहिए, उम्र महज 24 साल, लेकिन अचीवमेंट इतना, जो कि अगर बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उत्तराखंड की बात की जाए, झारखंड की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उत्तराखंड की बात की जाए, झारखंड की बात की जाए, तो वहाँ के खिलाड़ी के बराबर की का जो अचीवमेंट है इनका है, लेकिन बिहार सरकार की ओर से कुछ सहायता नहीं मिल पाने की वजह से कई खिलाड़ी अपना खेल छोड़ देते हैं, अपने टैलेंट को अपने ही अंदर मार देते हैं। लेकिन इनसे हम जानना चाहेंगे, काफ़ी खर्च पड़ता है माउंटेनियरिंग करने में, करीब 35 लाख का फिलहाल का जो माउंट एवरेस्ट के लिए एक्सपेंस लिस्ट है, तो सरकार सहायता नहीं करेगी तो कैसे आप वहाँ तक जाएगा? कुछ सोचा आपने घर से लगा के, या फिर और तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा आपके पास? मुझे लगता है सबसे पहले तो मैं बिहार के पूरे यूथ को बड़ा वाला थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि आपकी ही देन है कि आज बिहार को एक माउंटेनियर मिली है, और इतनी अच्छी माउंटेनियर मिली। मैं इसलिए आपको कहती हूँ कि अदर स्टेट में गवर्नमेंट जब उनको सपोर्ट करती है, फिर भी अभी तक किसी ने माउंट अकोंकागुआ को सोलो प्लान नहीं किया था, लेकिन आपकी मिताली ने, जो कि आपने मिताली को बनाया है, आपने मिताली को सपोर्ट किया है, तो उसकी वजह से ही मिताली ने इतना अच्छा रिकॉर्ड बिहार के नाम किया। तो अभी यही है कि अगर एवरेस्ट में 35 लाख लग रहे हैं और बिहार गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है, तो डेफिनेटली मुझे कुछ घर से भी लगाना है, और जो कि अब तक मैं लगाते ही आ रही हूँ रेगुलरली, और इसके अलावा फिर मैं क्राउड फंडिंग, मैं जनता से अपील कर रही हूँ कि आप मुझे कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो प्लीज़ कंट्रीब्यूट कीजिए, क्योंकि मैं बहुत सामान्य फैमिली से आती हूँ, मुश्किल है थोड़ा इतना बड़ा अमाउंट खुद को घर से निकाल करके करना, और शायद यही वजह है कि 2016 से ही मैं ट्राई कर रही हूँ। अगर मैं 2016 में मुझे स्पॉन्सर मिलता तो शायद इंडिया की यंगेस्ट वन माउंटेनियर होती एवरेस्ट के लिए, लेकिन पैसे के अभाव में ही अभी तक नहीं हो पाया। तो 5 साल की ये जर्नी जो रही बहुत ही तकलीफदायक कह सकते हैं, और शायद गवर्नमेंट से थोड़ी निराशा कह सकते हैं ज़्यादा हो गई है कि और आखिर कितने दिन इंतज़ार करें मिताली। चलिए, आखिर और कितने इंतज़ार करना पड़ेगा बिहार के उन तमाम खिलाड़ियों को जिन्हें इंतज़ार है सरकार उन्हें सहायता मुहैया कराएगी, वो सरकार की सहायता से आगे बढ़ेंगे, अपने खेल के माध्यम से पूरे देश में, पूरे विश्व में अपना परचम लहराएंगे। लेकिन जो उदासीनता है, जो सरकार का जो ये रवैया है खिलाड़ियों के प्रति, कहीं ना कहीं गलत है। इसको लेके जो खिलाड़ी हैं अपने अंदर के टैलेंट को अंदर ही अंदर मार देते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन हमारी शुभकामना मिताली के साथ है, ज़रूर ही आगे बढ़े, और बिहार को पहली हिमालय चढ़ने वाली बेटी मिले। हालांकि इन्होंने अमेरिका गई, अफ्रीका गई, कई पहाड़ी पर चढ़ चुकी हैं और देश का नाम भी रोशन कर चुकी हैं। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है। फिलहाल के लिए इतना ही, और आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें NBC 24 न्यूज़।